बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू वीडियो सीरीज अबाउट बायोइनफॉर्मेटिक्स, एंड इन दिस वीडियो सीरीज आई विल कंडक्ट अ प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी। एंड दिस प्रोजेक्ट कैन बी डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। Means if they are from bioinformatics field, if they are from microbiology, biotechnology, so they can perform this project. Means that in this project methodology, they can use this methodology and they can perform their project. Okay, so इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट कराऊंगा जो पहले से हुआ है, मींस के एक रिसर्च पेपर में उठाऊंगा, और उसकी जितनी भी मेथडोलॉजी है, पाइपलाइन है, उसको मैं जो है एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, और ये कैसे हो रहा है। तो एक बहुत नया सीरीज होगा। मैंने अभी तक जो है यूट्यूब पे इस तरह की कोई ऐसी सीरीज नहीं देखी। बेसिकली मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ बायोइनफॉर्मेटिक्स का। यू ऑल नो मी वेल, अगर आपने सब्सक्राइब किया है और आपने देखा होगा, तो आई एम बेसिकली MS बायोइनफॉर्मेटिक्स स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस तरह के वीडियोज चाहिए। डिफरेंट वीडियोज होती है जो डिफरेंट टूल्स को समझाती है, डिफरेंट कंसेप्ट को समझाती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एक फ्लो पे चले और जितने टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स रिलेटेड, जितने कंसेप्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसको एक कहानी के तौर पे समझाया जाए, एक फ्लो के अंदर जो है सिखाया जाए, तो स्टूडेंट उसको गेट भी अच्छी तरह कर लेते हैं और उसको जो है साथ साथ में वो करते रहते भी हैं। तो मेरी ये सोच है, शायद आपको ये समझ आ जाए, पसंद भी आ जाए। तो इस पार्ट में मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी होगी वो उस प्रोजेक्ट की जो है कंप्लीट स्टेप नंबर वन होगा। लेकिन पहले ये ज़रूरी है कि आप जो है प्रोजेक्ट के बारे में समझे कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली जो है स्टेप नंबर वन पे चले जाएंगे। तो इसमें मैं आपको सारे स्टेप सिखाऊंगा कि हम क्या क्या करेंगे, कौन से टूल यूज़ करेंगे, और जो है तो थोड़ी सी आइडिया आपको हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंडली, अगर आप बायोइनफॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हैं या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, और आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस तरह है, तो आप मुझे, और अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा ईमेल भी है। आप मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पहले ईमेल करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा, उसके बाद जो है मैं आपकी असिस्टेंट कर सकता हूँ, आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ, आपकी थीसिस, रिसर्च राइटिंग, ठीक है, जो कुछ भी है मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लाऊंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जितना मैं सीखूंगा उतना बायोइनफॉर्मेटिक्स रिलेटेड अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, अब चलते हैं डायरेक्ट अपने जो है मेथडोलॉजी की तरफ। अगर मैं आपको थोड़ी सी पहले जो है पेपर तो मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी मैं दिखा दूँ कि पेपर को मैं जो है चार हिस्सों में तकसीम करूंगा। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंड स्क्रीनिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड MD सिमुलेशन। ये चार मेन जो है हमारे पॉइंट्स होंगे, हमारे हेडिंग्स होंगे, ठीक है। अब टारगेट आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, वो भी तकरीबन तीन चार पांच स्टेप्स होंगे, तो इधर तो मैंने मेंशन नहीं किए, लेकिन जो है उत्तर पेपर में एक एक स्टेप को एक एक वीडियो में मैंशन करता रहूँगा, ठीक है। और जो टूल यूज होते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन में, उसमें मैं जो है आपको सिखाऊंगा, थ्योरी भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, तो आप जो है बिल्कुल घबराना नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आई एम परफेक्टली श्योर के आपको इंशाल्लाह आप एक पूरा प्रोजेक्ट कर सकेंगे, पूरा अपनी दम पे, MS हो या BS हो, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं और इसी पाइपलाइन को यूज करके अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम कंपाउंड स्क्रीनिंग करेंगे। अब आपको ये अजीब सा लगेगा कि ये जो है क्या स्टेप्स है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग और MD सिमुलेशन, अगर आप बायोइनफॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये जो हेडिंग्स हैं थोड़ी थोड़ी आपको आदि भी रहेगी, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो टूल्स और सर्वर्स हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, चलाने के लिए, वो ये है तकरीबन 16 to 18 टूल्स और सर्वर्स है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक वीडियो सीरीज में इन सारे टूल्स और इन सर्वर्स को सीख ले, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये काफ़ी है एक प्रोजेक्ट को जो है वो करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे डेटा बैंक्स हैं, सर्वर्स हैं और टूल्स हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स के, तो इंशाल्लाह हम इसको बारी बारी यूज़ करेंगे। असल में ये शफल है, मैंने अरेंज ऑर्डर में नहीं लिखे, ठीक है। शायद हम जो है डिस्कवरी स्टूडियो पहले यूज़ करें और
या सारा टूल बाद में यूज करें, कास्पी जो है सबसे आखिर में यूज करें या सबसे पहले यूज करें, तो ये होगा। लेकिन आपको सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो है हम क्या करेंगे। अब आपकी आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखा दूं कि बेसिकली जो है हमारी पूरी रिसर्च किसके बेस पे होगी, ठीक है। उसमें हम टारगेट प्रोटीन को ढूंढेंगे, ठीक है, उसको फिर उस लिगेंड को ढूंढेंगे, फिर उसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर डॉकिंग करेंगे, फिर स्कोरिंग होगी, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो एक ये तो आसान सा होगा, लेकिन ये इसमें काफ़ी स्टेप्स है टारगेट प्रोटीन को ढूंढना, ठीक है, ये एक अलग सा एक प्रोटोकॉल है, फिर लिगेंड को ढूंढना ये एक अलग सा प्रोटोकॉल है, फिर उसको प्रिपेयर करना डॉकिंग के लिए ये सारे स्टेप्स है, फिर स्कोरिंग एवेलुएट करना, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करना, तो ये सारे स्टेप आ जाएंगे। लेकिन ये एक कन्फाइंड एक छोटा मोटा वो जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब डॉकिंग की तरफ आए, अब ये भी एक इसी तरह का एक पिक्चर है, ठीक है। तो हम पहले जो है वर्चुअल स्क्रीनिंग करेंगे, फिर होमोलॉजी मॉडलिंग, ये सारा कुछ है। हम पहले प्रोटीन को ढूंढेंगे, ठीक है, फिर कंपाउंड को ढूंढेंगे, फिर डॉकिंग करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी जो है एवोलुएशन करेंगे, पोटेंशियल ड्रग ढूंढेंगे। तो ये सारे पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की है कि मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ, ठीक है, कि हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या। तो अच्छा, ये देखिए जरा, हम ड्रग टारगेट सिलेक्शन करेंगे, तो टारगेट के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कहाँ से आएगा, हम कैसे देखेंगे, ठीक है, फिर उसकी ड्रग टारगेट स्ट्रक्चर एवेलुएशन करेंगे, बाइंडिंग साइट आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इन स्टेप्स की मजीद स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा था। अब टारगेट प्रोटीन की ये और ज़्यादा स्टेप हो गई, ड्रग टारगेट सिलेक्शन, ड्रग टारगेट स्ट्रक्चर एवलुएशन, ठीक है, ये सब हम करेंगे। तो ये सारे अब इसकी मजीद स्टेप्स आ गई है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर और सिंप्लीफाई करें तो हम रिसेप्टर ढूंढेंगे और लिगेंड ढूंढेंगे। तो रिसेप्टर ढूंढने के लिए बहुत स्टेप्स चाहिए, लिगेंड ढूंढने के लिए और भी बहुत स्टेप्स चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरीज को देखना पड़ता है, फिर उसकी प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन में और भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टूल्स के जरिए और मैं थ्योरी और टूल्स साथ साथ में सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन किस तरह होती है, ये देखिए मॉलिक्यूलर डॉकिंग की स्टेप्स जो है, ये सारे जो है असल में यूट्यूब पे मौजूद भी है जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग किस तरह होती है। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं एक फ्लो में चलना चाहता हूँ, ठीक है, कि बंदे को मजा भी आए कि पहला स्टेप मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया। अगर एक कहानी के तौर पे चले ना तो बहुत मजा आता है, ठीक है, तो इसलिए चीजें भी नहीं रहती और इंटरेस्ट भी होता है कि अच्छा ये मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब आप ये स्टेप सीख जाएंगे तो अपने अपने पाइपलाइन आप डिस्कवर करेंगे, अपने अपने पाइपलाइन आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मॉलिक्यूलर डॉकिंग आ गई तो मैं इसको किस स्टेप पे ले जाऊँ, किस सेंस में उसको इसके लिए एक नई पाइपलाइन डिजाइन करूँ, ठीक है। तो जब आपको स्टेप्स आते हैं, ठीक है, तो आप स्टेप्स को शफल करके एक नई मेथडोलॉजी भी जो है बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक पाइपलाइन के थ्रू चला रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, ठीक है। कंपाउंड की स्क्रीनिंग किस तरह होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा कंपाउंड डेटाबेस में होते हैं और आखिर में थोड़े से कंपाउंड बच जाते हैं, ठीक है, थीके? तो ये किस तरह होता है, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। अब जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ रेफरेंस, तो ये इसका टाइटल है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तरह बहुत ज्यादा पेपर्स हैं और ये एमएस और बीएस की प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, ठीक है, एंड बायोफिजिकल सिमुलेशन, एंड बायोफिजिकल सिमुलेशन, ये सारे जो है ना ये इसकी टाइटल है और हम इसको फॉलो करेंगे। और ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लें या आप डाउनलोड करें इसकी, ये गूगल स्कॉलर में आप टाइप करें तो ये आ जाएगी, ठीक है। फिर इसकी ये मेथडोलॉजी है, तो हम इस सारे मटेरियल एंड मेथड्स को बारी बारी यूज करेंगे। पहले रिट्रीवल करेंगे, फिर डॉकिंग स्टडीज करेंगे, सीएमएनपीडी प्रिपरेशन, साइट डायरेक्टेड वर्चुअल स्क्रीनिंग, ठीक है, और डायनेमिक सिमुलेशंस, ये सारा कुछ ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने थोड़ी सी एक आपको ओवरव्यू दे दी, तो जितने स्टेप्स भी है ये हम करेंगे। आप इस पेपर को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो है फिर अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये पिक्चर्स किस तरह आते हैं, इसको तैयार किस तरह करना है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सब कुछ जो था आज की वीडियो के बारे में, इंशाल्लाह पार्ट टू में मिलते हैं और उसमें मैं आपको पहला स्टेप सिखाऊंगा और जो है अपनी जो प्रोटीन है उसे डाउनलोड करेंगे और उसको जो है मजीद प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।